आगे बढ़ते हैं। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा है। वैभव गहलोत निभा रहे हैं सामाजिक सरोकार, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने का कार्यक्रम है वैभव गहलोत का। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एआईसीसी मेंबर है वैभव गहलोत, जोधपुर का उनका दौरा। वैभव सामाजिक सरोकार निभाते हुए अक्सर कोविड के इस पूरे काल में दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम तमाम होने हैं यहाँ पर, हर कार्यक्रम में उनका जाना है। आज बताया जा रहा है कि अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वैभव गहलोत भारत सेवा संस्थान पहुंचे हुए हैं, जहां की इस वक्त तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एआईसीसी सदस्य हैं वैभव गहलोत और यहां पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, यहाँ पर पहुंचे वैभव गहलोत, क्या कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है? वैभव गहलोत का जिस तरीके से सामाजिक सरोकार के प्रति शुरू से प्राप्त कर रही है, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से भारत सेवा संस्थान शुरू से ही जनहित के काम करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्थापित इस एनजीओ में आज जिस तरीके से एम्बुलेंस का लोकार्पण करने के साथ उसको इससे पहले भी चार एम्बुलेंस चल रही है, इसके अलावा मोक्ष वाहन चल रहे हैं। वैभव गहलोत कल रात को यहाँ पहुंचे, फिर आज कई तरह के सामाजिक सरोकार निभाएंगे। यहाँ जो प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा है उनकी देखरेख में तमाम काम करें, ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा से लेकर के महापौर कुंती देवड़ा है, शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सईद अंसारी है, कांग्रेस कमेटी के सचिव शरण पटेल है, तमाम जो कांग्रेस के लीडर सामाजिक कार्यकर्ता संयम जिस तरीके से और सुयोग कालकड़ा है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नारायण राम राबड़ी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, सामाजिक जो सेवा देने वाले लोग यहाँ पर पहुंचे। कुल मिलाकर के लगातार जिस तरीके से आईएएस तैयार करने हो, आरएएस आरजेएस तैयार करने हो, ये संस्थान विद्यार्थियों के लिए भी समर्पित रहता है और निःशुल्क जो चिकित्सा शिविर लगते हैं वो भी बड़े स्तर पर लगते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर पिछली बार भी जिस तरीके से वैभव गहलोत का शुभारंभ किया, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि आम जनता से जुड़कर जनता के लेकर के जनता की स्थिति जो काम करते हैं आज उसी की शुरुआत है। ये पांचवा वाहन जो है जनता, ये कितने, ये अभी इस वक्त क्या हो रहा है, ये एम्बुलेंस को रवाना किया जा रहा है, कितने एम्बुलेंस है, कहाँ इनको भेजा जा रहा है, क्या जानकारी है अभी की तस्वीरों को लेकर? एक निश्चित रूप से ये एम्बुलेंस आज जनता को समर्पित की जा रही है। इस वक्त जो एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत यहाँ पर रवाना कर, विधायक महेंद्र बिश्नोई है वो है, कांग्रेस नेता अंकुर चौधरी है, या तमाम जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं उसके पीछे वजह इतनी है कि सामाजिक तरुका से हमेशा कांग्रेस भूमिका निभाती रही, यही संदेश जो है उसको देने की कोशिश है। भारत सेवा संस्थान जिसकी स्थापना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2005 में, सबसे लगातार सेवा के जो काम है वो यहाँ पर जारी है और इसी कड़ी के अंदर जिस तरीके से पार्षद के बजाय आनंद सारंग की बात कर रहे हैं, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और संदेश सीधे तौर पर यही है कि जनता के समर्पित है। और वैभव गहलोत बीच में भी वर्चुअली जुड़ करके कोरोना काल में मदद करते रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बातचीत हो या कंसेंट्रेटर की बातचीत हो, लोगों को प्रेरित भी कर, ये वो इंपॉर्टेंट तस्वीरें कही जा सकती है कि जनसेवक जनता के जुड़ करके आज भारत संस्थान की ओर से जो एम्बुलेंस जारी की जा रही है, ये गलियों के अंदर जा सकती है। आमतौर पर बड़ी एम्बुलेंस गलियों में नहीं जा पाती है, ये छोटी एम्बुलेंस जो गलियों में जा सकती है मरीजों को कमा सकती है। राजीव, कितने देर यहाँ पर रुकेंगे वैभव, उसके बाद और क्या कार्यक्रम है उनके जोधपुर में आज? देखिए दीपक, यहाँ से वैभव गहलोत का केन कॉलेज जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पर मुफ्त टेक्नीशियन का काम वो आज से केन कॉलेज में छात्राओं के शुरू होगा। छात्र नेता दिलीप चौधरी है, उन्होंने कोशिश की, पहले न्यू कैंपस में वर्चुअली का शुभारंभ हुआ था, आज फिजिकली जो वैभव गहलोत यहाँ पर आए हैं तो उसका शुभारंभ करेंगे और उसके बाद वाली समाज के जो अध्यक्ष है पुखराज सांतला का निधन हो गया था, उनके निवास पर जाकर के वो शोक संतापना व्यक्त करेंगे। उसके अलावा एक कांग्रेस के नेता हरीश बैरवानी है, उनका निधन हो गया था, उनके निवास पर भी जाकर अपनी जो संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। वैभव गहलोत का बरकत तो लगा स्टेडियम जाने का भी आज अपर को 3 मिनट का कार्यक्रम में 20 करोड़ की राशि जिसे मुख्यमंत्री ने स्पीकर है, वहाँ एक महत्वपूर्ण जब तक आईपीएल और इंटरनेशनल जो मैच लेकर जाने उस लिहाज से वैभव गहलोत काफी गंभीर है, तो आज जीटी के अधिकारी हैं, अन्य विभागों के अधिकारी वो यहाँ वहाँ पे घोषित करेंगे और आवश्यक फीडबैक देंगे जी। अच्छा, अभी यहाँ मीडिया से भी कुछ कहेंगे क्या वैभव गहलोत? राजीव, कोई जानकारी मिली है इसके बारे में, कोई जानकारी वो देंगे खुद? देखिए निश्चित रूप से लगता है कि सामाजिक सरोकार की कामकाज है, भारत संस्थान निभा कर रहा है, उसकी जो बालिकी है उसकी तस्वीर है, अभी आप देख सकते हैं अब वहाँ जिस तरीके से कार्यकर्ता है वो, और अब हरिचंद महापौर यहाँ पर है,
मिश्रा आपके तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, तमाम चौधरी है, काबरा है, शरण पटेल है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पुलिस मौके पे चार एम्बुलेंस सेलेक्ट कर लिए, पांच एम्बुलेंस ये शामिल हो जाएंगे, मोक्ष वाहन जो एसटी लोगों को शव संस्कार के लिए काम आता है। आप देख रहे हैं दिखा करके वैभव गहलोत जो है इस एम्बुलेंस को जिस तरीके से निकेतिक रूप से इसको शुरू कर रहे हैं जिससे की मरीजों के काम आ सके। और वैसे भी हम मतदान पात्रों पास मंगे पिता के बाहर बोर्ड भी बहुत मजबूत से लग रहे हैं, लेकिन राजीव भारत सेवा संस्थान में तो ये एक ही काम होना था, अभी एक ही कार्यक्रम था एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने वाला, वो हो चुका है, इसके अलावा और कोई काम है इधर कार्यक्रम? अच्छा ठीक है ठीक है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वैभव गहलोत। कोशिश लगातार की जा रही है वो कुछ अपनी बात रखें सामाजिक सरोकारों को लेकर। नहीं, भारत सेवा संस्थान हमेशा सामाजिक सरोकार में हमेशा आगे रहा है। जिस तरीके से ये दूसरी कोरोना की महामारी का दौर आया, पूरे देश में आया, राजस्थान में आया, जोधपुर से छूटा नहीं रहा, जिस तरह के हालात बने उसमें भारत सेवा संस्थान ने आज ये चौथी एम्बुलेंस जनता को समर्पित की है। मुझे खुशी है इस अवसर पर मैं यहाँ आ सका, आप सब लोगों से मिलना हुआ, और अभी मैं सबसे यही अपील करूँगा मीडिया के आप तमाम बंधुओं से, आप लोगों के माध्यम से जोधपुर की जनता को, कि ये दूसरी लहर बहुत ही घातक लहर थी और अभी भी इसका खतरा टला नहीं है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव पूरे देश में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और अभी भी दो गज की दूरी, मास्क, जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल बनते हैं उन सबको हम निभाएं, तभी हम इस कोरोना की जंग में जीत पाएंगे। देखिए अभी भी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी और तमाम सरकार के नुमाइंदे जिस तरीके से दिन रात एक करके दूसरी लहर को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश करी, और आने वाले समय में भी हम लोग जिस तरीके के एक्सपर्ट्स जो व्यू बता रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ महीनों बाद तीसरी लहर का भी अंदेशा है देश के अंदर, हमें उसको देखते हुए मैंने जैसा कहा कि वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है जिससे हम इसको रोक सकें। और साथ ही वैक्सीनेशन होने के बाद भी मैं जनता से अपील करूंगा कि दो गज की दूरी, मास्क और तमाम जो दूसरे कोरोना के प्रोटोकॉल हैं जो समय समय पर प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, चाहे शादी समारोह की बात हो, विभिन्न सार्वजनिक फंक्शनों की बात है, उन सबको हमें कड़ाई से पालना करेंगे तभी हम कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। आईसीसी मेंबर वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे। वैक्सीनेशन पर जोर दिया उन्होंने, कहा कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, दो गज की दूरी भी रखनी है, वैक्सीनेशन पर सभी का फोकस होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग जाकर वैक्सीनेट हों, ये कोशिश सभी की होनी चाहिए। सभी से अपील की कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा बने।